नमस्कार, पंजाब केसरी डॉट कॉम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ गीतांजलि। बिहार की सियासत लगातार गर्माती जा रही है और फ्लोर टेस्ट इन दिनों बड़ा मुद्दा बना हुआ है। लेकिन सवाल ये कि क्या एनडीए की जेडीयू सरकार गिर जाएगी? जवाब जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दरअसल बिहार में 12 फरवरी को नीतीश सरकार का फ्लोर टेस्ट होना है। इस बीच राज्य की सियासत गरमाई हुई है। फ्लोर टेस्ट से पहले राज्य की राजधानी में हलचल तेज है, जिसको लेकर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं दिग्गज नेताओं द्वारा सामने आ रही है। इसी को लेकर आरजेडी के सांसद मनोज झा ने भी बयान दिया। क्या कुछ कहा उन्होंने, चलिए आपको सुनाते हैं। पास सिर्फ इसलिए आया हूँ कि सनद रहे कि 12 फरवरी को लेकर के हमारे नेता ने क्या कहा था। उन्होंने कहा था खेल शुरू हुआ है। मैं हमारे लिए 12 फरवरी का दिन कैलेंडर का एक आम दिन है। परेशानी जिनको हो रही है, सवाल उनसे पूछे जाने चाहिए। हमारे दल के और महागठबंधन दल के तमाम विधायक आए और उन्होंने इच्छा व्यक्त की कि आगामी 48 घंटे हम एक साथ रहेंगे, कई पहलुओं पर चर्चा करेंगे। आपको इंटरेस्टिंग लगेगा जान के, अंदर अंत्याक्षरी हो रही है, लोग छोटी छोटी अपनी बातचीत में लगे हुए हैं। एक अखबार ने आज सुबह अपने हेडलाइन में ये खबर छापी। मैं ये चाहता हूं आप लोग देखें, अपने आप को बड़ा अखबार कहते हैं और इनसे जुड़ा इसी अखबार की खबर को एक टेलीविजन चैनल ने चलाया। काश कि मैं आपको कह सकता हमारे विधायक, एक एक विधायक हमारा अंदर आराम से बैठा हुआ बातचीत कर रहा है बिहार की राजनीति के बारे में, देश की राजनीति के बारे में। 12 फरवरी तो एक छोटा एपिसोड है। तेजस्वी जी ने जो कहा खेल शुरू है, खत्म हम करेंगे, शुरुआत हमने नहीं की ना। इस गठबंधन को जिसका सृजक नीतीश जी चल के आए थे, तेजस्वी जी नहीं गए थे, चल के आए थे। और चल के आने के बाद किस दबाव में उन्होंने निर्णय लिया या उनसे लिवाया गया, वो इतिहास। बता दें कि 11 फरवरी को जेडीयू ने विधानमंडल दल की बैठक बुलाई है। महागठबंधन के विधायकों को आज 10 फरवरी को पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के आवास पर जाते हुए भी देखा गया। और क्या कुछ बोले इसी मुद्दे पर बिहार की राजनीति पर आरजेडी के सांसद मनोज झा, चलिए आपको सुनाते हैं। कहा कि हम साथ रहना चाहते हैं। सारे विधायक जा रहा है कि कुछ मिसिंग है आरजेडी के भी। अब मैं आपको कहा कौन रहा है, उनके यहाँ जिनके यहाँ भोज में लोग नहीं पहुँचे, परेशान ना हो। नहीं, देखिए कमाल के आप लोग पत्रकार लोग हैं, आपको प्रणाम। नहीं नहीं, जो गया ले जाएं वो कार्यशाला, जो हमारे विधायक पटना में एक साथ रहना चाहे वो आपको अप्रीतिकर लगता है। भाईचारा भी कोई चीज होती है, गठबंधन की मजबूती भी कोई चीज होती है। तो देखा आपने कि विधायकों को बैठक के लिए बुलाकर तेजस्वी यादव के आवास पर 48 घंटों के लिए रोक लगा दी गई है। ऐसा बताया जा रहा है कि बिहार की राजनीति में एक बड़ा मोड़ देखने को मिलेगा। कोई टूट ना हो इसके लिए आरजेडी विधायकों को तेजस्वी यादव के आवास पर रोक लिया गया है। आरजेडी की ओर से ये भी दावा किया जा रहा है कि एनडीए में टूट होगी और सरकार बहुमत साबित नहीं कर पाएगी। तेजस्वी यादव के आवास पर सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। आरजेडी सांसद मनोज झा ने सीएम नीतीश कुमार का नाम लेते हुए बड़ा बयान दिया। कहा कि एक एक विधायक हमारा अंदर आराम से बैठा हुआ है, बातचीत कर रहा है बिहार और देश की राजनीति में। 12 फरवरी का दिन तो एक छोटा सा एपिसोड है। तेजस्वी यादव ने जो कहा है वो खेल उन्होंने शुरू किया है और इस खेल को खत्म हम करेंगे। जहां आरजेडी सांसद का ये कहना कि खेल तो नीतीश कुमार ने शुरू कर दिया लेकिन खत्म हम करेंगे चर्चा का विषय बना हुआ है। ऐसी ताजा तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए आप देखते रहें पंजाब केसरी.com और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।